गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, हियर आई एम टू टीच यू साइंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इन साइंस इज डू यू नो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़े, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लुईस पाश्चर वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू नो कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। लुईस पाश्चर एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया है किस क्षेत्र में, ताकि जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनका प्रिवेंशन हो सके, उनका रोकथाम हो सके, उनका उपचार हो सके। ही क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रैबीज। लुईस पाश्चर ने पहला वैक्सीन बनाया था रैबीज जो डिजीज है, जो कि डॉग जो होता है उसके काटने से हो जाता है। अगर कोई डॉग रैबीज से ग्रसित है, ठीक है, तो उसका स्लाइवा जो होता है, जब वो बाइट करता है तो उसका स्लाइवा जो होता है वो ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, और फिर वो रैबीज का कीटाणु उस ह्यूमन बींग के शरीर में चला जाता है, वहां पे एक बीमारी पैदा कर देता है जिसको रैबीज बोलते हैं, जिसके लिए इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड मेथड टू स्टॉप मिल्क एंड वाइन फ्रॉम कॉजिंग सिकनेस। उन्होंने एक मेथड का इन्वेंशन किया जिससे मिल्क और वाइन यानी शराब से सिकनेस नहीं होता। प्रोसेस इज नेम्ड आफ्टर हिम इज पाश्चराइजेशन। अब आपको पता है कि वाइन जो होता है वो शराब को बोलते हैं, उससे तो प्रॉब्लम होगा ही। अब मिल्क जो है वो कैसे प्रॉब्लम दे देगा, तो होता ये है कि मिल्क जो है अगर हम लोग उसको बॉयल किए बिना उसको पी लेते हैं तो होगा क्या, उस मिल्क के कांटेक्ट में एग्जांपल के तौर पे गाय से मिल्क निकलता है। अब गाय का मिल्क निकालने के प्रोसेस के वक्त जिस आदमी ने मिल्क उस मिल्क निकाला है उस गाय से, अगर उसका हाथ साफ नहीं हो या फिर जो एरिया है जहां से मिल्क निकाला जा रहा है गाय का, अगर वो एरिया साफ नहीं हो या फिर गाय जो है उसको कोई बीमारी हो, तो क्या होगा, उससे वो इन्फेक्शन लगने का खतरा है। तो उन्होंने पाश्चराइजेशन एक मेथड जो है उसका इन्वेंशन किया। पाश्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, दूध को पहले बॉयल किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और तुरंत उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है। इस मेथड से जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और दूध हमें हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू 60 डिग्री एंड देन कूल क्विकली। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि 60 डिग्री पे ही हीट करना है, सॉरी बॉयल वर्ड मैंने यूज कर दिया, बॉयल का मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 60 डिग्री पे उसको गर्म करना है और उसको तुरंत कूल कर देना है, यानी कि रेफ्रिजरेट कर देना। द जर्म्स गेट किल्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जितने भी जर्म्स हैं वो सारे के सारे जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज कि लुईस पाश्चर जो है वो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारे इन्वेंशन किए। उनका पहला इन्वेंशन क्या था, तो रैबीज का वैक्सीन था। फिर उन्होंने पाश्चराइजेशन का मेथड जो है उसको भी इन्वेंट किया। उसमें होता क्या है कि दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं, इससे जितने कीटाणु होते हैं मर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक, एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल श्योरली डेफिनेटली बी पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड न्यू वर्ड्स। टिल देन, stay home, stay safe, that's all, thank you.